मछली है। द मुरली टुडे इज द मॉर्निंग क्लास डेटेड 18 मई 1967। रिकॉर्ड चल रहा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। द रिकॉर्ड प्लेड इज द ड्वेलर ऑफ अ फार ऑफ प्लेस हैज कम टू अ फॉरेन लैंड। कौन से पराए देश में आया? To which foreign land has he come? अपने देश का रहने वाला पराए देश में आया। The dweller of his native land has come to a foreign land. अपना देश कौन सा है? Which is his native land? अपना देश है शांति धाम। His native land is the abode of peace, that is शांति धाम। क्योंकि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। Because we souls are embodiment of peace. शांत स्वरूप आत्माएं the peaceful souls शांति धाम से आती हैं, come from the abode of peace, और इसे दुनिया में अशांत हो जाती है, and become restless in this world. तो ये दुनिया किसका धाम है? Whose abode is this world? अशांति दाता कौन है? Who is the giver of restlessness? दुख देने वाला कौन है? Who is the giver of sorrow? रावण है दुख देने वाला। रावण is the one who gives sorrow. रावण माने रुलाने वाला। रावण means the one who makes the others weep. दुख मिलता है तो शरीरधारी आत्मा रोने लग पड़ती है। When faced with sorrow, the soul residing in the body starts weeping. तो दूर देश से हम आत्माएं भी आई हैं। We souls as well have come from a far off place. और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव भी दूर देश से आता है। And the father of we point like souls, the point of light Shiv, that is ज्योति बिंदु शिव, also comes from a far off place. अंतर क्या है? What is the difference? वो आता है कल्प के अंत में। He comes at the end of the cycle. सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग बीत जाते हैं। When the four ages, the golden age, the silver age, the copper age and the iron age are completed. एक कल्प हो जाता है तब आता है। He comes when one cycle completes. और हम आत्माएं सारे कल्प में आती रहती हैं। Whereas we souls keep coming throughout the whole cycle. कोई आदि में आती है सतयुग में। Some souls come in the beginning, that is in the golden age. कोई मध्य में आती है त्रेता द्वापर में। सम कम इन द मिडल दैट इज द सिल्वर एज एंड कॉपर एज। कोई कलयुग के अंत में और कलयुग में आती है। एंड सम कम एट द एंड ऑफ द आयरन एज एंड इन द आयरन एज। जो आत्माएं जितना पहले आती हैं उतनी पावरफुल आत्माएं होती है। The earlier the souls come, they are powerful to that extent. और जितना अंत में आती है उतनी कम पावर वाली है। And the later, towards the end they come, they are less powerful to that extent. ज्यादा पावरफुल आत्मा होती है तो ज्यादा सुख भोगती है। The soul which is more powerful enjoys more happiness. और कम पावरफुल आत्मा कम सुख भोगती है। एंड द लेस पावरफुल सोल इंजॉयज लेस हैप्पीनेस। सुख भी कम भोगती है तो दुख भी कम भोगती है। इट इंजॉयज लेस हैप्पीनेस सो इट सफर्स लेस सोरो एज वेल। कमजोर आत्माओं में सुख दुख भोगने की शक्ति कम होती है। द वीक सोल्स हैव अ लेसर कैपेसिटी टू इंजॉय हैप्पीनेस एज वेल एज टू सफर सोरो।
और जितनी ही पावरफुल आत्मा होती है द मोर पावरफुल द सोल इज उसमें सुख भी भोगने की शक्ति ज्यादा होती है तो दुख भोगने की भी पावर ज्यादा होती है. The greater powers it has to enjoy happiness, so to tolerate more sorrow as well. ये पावर कैसे मिलती है? How is this power available? जैसे batteries होती है. Just like batteries. कोई बड़ी battery, कोई छोटी battery. Some batteries are big and some are small. कोई लंबे समय तक चलती है, कोई कम समय तक चलती है. Some batteries run for a longer time and some for a shorter time. वो batteries तो बड़ी बड़ी होती है. Those batteries are very big. अभी तो घड़ी की छोटी छोटी batteries भी हैं. But now batteries are also available in very small sizes for use in watches. छोटी छोटी घड़ियां और उनमें बहुत छोटी battery डाली जाती है. There are small watches and very small batteries are put in them. ऐसे ही ये आत्मा रूपी घड़ियां हैं. सिमिलरली दीज सोल्स आर लाइक वॉचेस 5000 वर्ष पार्ट बजाती है. शक्ति चक्र में विच प्ले द पार्ट फॉर 5000 इयर्स इन द वर्ल्ड साइकिल. सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चार युगों का चक्र है. The cycle consists of four ages, that is, the golden age, the silver age, the copper age, and the iron age. इस घड़ी में हम आत्माएं अपने time to time आती हैं. In this watch, we souls come at our own time. कोई ज्यादा part बजाती है, कोई कम part बजाती है. Some play the part for a longer period, and some play the part for a shorter period. कोई पूरे 84 का चक्र पार्ट बजाती है और कोई कम जन्म लेती है. सम प्ले द फुल पार्ट इन द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स एंड सम टेक फ्यूअर बर्थ्स. जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कमजोर आत्माएं. द सोल्स हु टेक फ्यूअर बर्थ्स आर वीक सोल्स. ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं पूरे 84 का चक्कर लगाती हैं तो पावरफुल आत्मा. एंड द सोल्स हु टेक मोर नंबर ऑफ बर्थ्स इफ दे कम्प्लीट द फुल साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स दे आर पावरफुल सोल्स. परंतु ये पावर मिलती कैसे है? बट हाउ इज दिस पावर अवेलेबल? जैसे जनरेटर होता है तो जनरेटर से बैटरी चार्ज की जाती है. जस्ट एज देर इज अ जनरेटर and the batteries are charged through the generator. या बड़ी बैटरी से छोटी बैटरियां चार्ज की जाती हैं. और द स्मॉल बैटरीज आर चार्ज्ड थ्रू अ बिग बैटरी. ऐसे ही जो दूर देश से आने वाला बाप हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है वो हमारी बैटरी आकर के चार्ज करता है. Similarly, the father Shiv, who comes from the far off place and who is the father of V point souls, charges our batteries. सतयुग आदि से जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते. Right from the beginning of the golden age, while taking the numerous births and enjoying happiness in those births, हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है. Our battery like soul becomes discharged. सतयुग त्रेता में राम दृष्टि की दुनिया में इन द गोल्डन एंड द सिल्वर एजेस दैट इज इन द वर्ल्ड ऑफ राम एंड कृष्णा हम आत्माएं ही देवताएं थे. वी सोल्स वेर अवर सेल्स डीटीज. देवताओं के मुखड़े खिले हुए रहते थे. डीटीज हैड वेरी ब्राइट फेसेस. आंखें बड़ी बड़ी होती थी. दे हैड लार्ज आईज. उन आंखों में सरूर रहता था. देयर वॉज एक्सेलरेशन इन दोज आईज. रूहानियत टपकती थी. इट रेडिएटेड स्पिरिचुअलिटी. कोई बीमार भी नहीं होता था. इतनी आत्मा में ताकत थी. द सोल
was so powerful that no one ever fell sick. जैसे खेत में बोए जाने वाले बीज होते हैं ना। For example, the seeds that are sown in a field. कोई बीज में कीड़ा लगा होता है तो उसके पौधे में भी कीड़ा आ जाता है। If a seed is infected, the plant that grows from it will also be infected with the germs. ऐसे आत्माएं जब डिफेक्टेड हो जाती हैं, सिमिलरली व्हेन द सोल्स बिकम डिफेक्टेड तो उनकी जन्म लेने के बाद आफ्टर बर्थ शरीर की आयु भी कम हो जाती, द लाइफ स्पैन ऑफ इट्स बॉडी ऑल्सो बिकम्स शॉर्ट। और आत्मा जब पावरफुल बनती है एंड व्हेन अ सोल बिकम्स पावरफुल जनरेटर से कनेक्शन हो जाता है, फुल चार्ज हो जाती है। व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द जनरेटर, व्हेन इट इज फुली चार्ज्ड, तो लंबी आयु भोगती है, इट एंजॉयज अ लॉन्गर लाइफ स्पैन। तो हम आत्माओं को पावर देने वाला जनरेटर कौन है? हु इज द जनरेटर हु गिव्स पावर टू अस सोल्स? हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, द पॉइंट ऑफ लाइट शिव, हु इज द फादर ऑफ वी पॉइंट लाइक सोल्स। उस ज्योति बिंदु शिव किया, शिव का बड़ा आकार पूजा करने के लिए शिवलिंग इतना बड़ा बनाया गया। द शिवलिंग विच इज द एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट शिव हैज बीन मेड सो बिग फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिप। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? अदरवाइज हाउ कैन वी वर्शिप अ पॉइंट? बिंदी तो लुढ़क जाए एक लोटा जल चढ़ाने से। इफ यू पुट अ स्मॉल पॉट ऑफ वॉटर ओवर पॉइंट इट विल टम्बल डाउन। तो बड़ा रूप बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। सो द पीपल ऑफ पाथ ऑफ डिवोशन हैव मेड अ बिगर फॉर्म ऑफ इट। भक्ति मार्ग वालों ने जो बड़ा रूप बनाया है वो पूजा करने के लिए बनाया है। द पीपल ऑफ द पाथ ऑफ डिवोशन हैव प्रिपेयर्ड द बिगर फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ वर्शिप। उनको ये पता नहीं है तो उसका असली रूप क्या है। दे आर नॉट अवेयर ऑफ द रियल फॉर्म। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल द फादर ऑफ एन एंट विल बी स्मॉल लाइक एन एंट। सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा। एंड द फादर ऑफ अ स्नेक विल बी लॉन्ग लाइक द स्नेक। हाथी का बाप हाथी जैसा डिल्डोल वाला मोटा ताजा होगा। एंड द फादर ऑफ एन एलिफेंट विल बी फैट एंड बल्की इन साइज एंड शेप लाइक द एलिफेंट। ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। सिमिलरली द फादर ऑफ द पॉइंट लाइक सोल्स इज अ पॉइंट ऑफ लाइट। बिंदु आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। द पॉइंट लाइक सोल इज नॉट विजिबल टू दीज फिजिकल आईज। इतनी सूक्ष्म है। इट इज सो सटल। जैसे कोई को मलेरिया बुखार चढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन समबडी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरियल फीवर तो डॉक्टर एक एक बूंद निकालता है। द डॉक्टर एक्सट्रैक्ट्स अ ड्रॉप ऑफ ब्लड शीशे पे चढ़ाता है एंड स्मियर्स इट ऑन अ स्मॉल ग्लास स्लाइड। फिर यंत्र से देखता है उस खून में कैसे कीटाणु। एंड ऑब्जर्व्स थ्रू द इंस्ट्रूमेंट टू सी व्हाट टाइप ऑफ जर्म्स आर इन द ब्लड। तो हमको तो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते। दे आर नॉट विजिबल टू अस थ्रू दीज आईज। लेकिन डॉक्टर यंत्र से उन कीटाणुओं को देख लेता है। बट द डॉक्टर ऑब्जर्व्स द जर्म्स विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाइज ये मलेरिया के कीटाणु दैट दे आर द जर्म्स कॉजिंग मलेरिया। तो बड़े बड़े देखने में आते हैं। दे अपियर बिगर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ही हमारी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती। सिमिलरली आवर सोल इज नॉट विजिबल
to these physical eyes. लेकिन हर एक की आंखों की चमक से पता चलता है इसके अंदर आत्मा है. But from the brightness of everyone's eyes, we can know that there is a soul in him. जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है, when a human being leaves his body, तो आंखें बटन हो जाती है. The eyes become like buttons. आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है क्या? Is the light seen in the eyes? चमक दिखाई पड़ती है क्या? Is the brightness seen in the eyes? तो जो चमक चली गई, वो ही आत्मा. So the brightness which has gone is the soul. चमक माने रोशनी. Brightness means light. वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देख सकते. It is so subtle that it cannot be seen through these physical eyes. हाँ, अभ्यास करते करते अभ्यास जब बहुत पक्का हो जाता है. Yes, after practicing for a long time and when the practice becomes very firm, तो कोई कोई को साक्षात्कार भी होता है. A few experience visions. और बुद्धियों की तीव्रता से ज्योति बिंदु आत्मा की सूक्ष्मता देखने में भी आती. एंड थ्रू द इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इंटेलेक्ट दे आर एबल टू सी द सटल नेचर ऑफ द पॉइंट ऑफ लाइट सोल एज वेल. लेकिन वो तीसरे नेत्र से. बट इट इज थ्रू द थर्ड आई. तीसरा नेत्र देवताओं को दिया जाता है. द डीटीज आर गिवन अ थर्ड आई. महादेव को तीसरा नेत्र दिया जाता है. महादेव इज गिवन अ थर्ड आई. कोई कोई देवियों को भी तीसरा नेत्र दिया जाता है. ऑल्सो अ फ्यू फीमेल डीटीज आर शोन विथ द थर्ड आई. तो कोई तीसरा नेत्र होता नहीं है. इन रियालिटी देर इज नो थर्ड आई. ये बुद्धि की आंख खुल जाती है. द आई ऑफ द इंटेलेक्ट ओपन्स. बुद्धि माना आत्मा. हियर इंटेलेक्ट मीन्स द सोल. आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है. द सोल इज नॉट समथिंग डिफरेंट. आत्मा क्या है? मन बुद्धि यही आत्मा. वॉट इज द सोल? द माइंड एंड द इंटेलेक्ट आर देमसेल्व्स द सोल. आदमी शरीर छोड़ता है. व्हेन अ मैन डाइज तो हाथ पांव नाक आंख कान सब तो रहता है. द हैंड्स फीट नोज आईज ears and everything stay as it is. Kya cheez nikal gayi? But what has gone away? Man buddhi ki taakat nikal gayi. The power of the mind and the intellect has gone away. Ye man buddhi hi atma ke liye hai. The mind and the intellect are themselves called soul. To ye jyoti bindu atma jisme man buddhi ki taakat bhari hui hai. Therefore the point of light soul in which the power of the mind and intellect is filled. ये ताकत किससे मिलती है? From whom is the power received? अनेक जन्म लेते लेते अब हमारी आंखें अंदर घुस गई. While taking many births, now our eyes have sunken inside. चेहरे सूख गए. Faces have become dry. काले होने लगे. And have started to become black. चेहरों की आग खत्म हो गई. The face has lost luster. देवताओं के चित्र, देवताओं की मूर्तियाँ कितनी हर्षित दिखाई जाती. The pictures of the deities, their idols are shown to be so cheerful. कितने सुंदर शरीर दिखाई जाते. The bodies are shown to be so beautiful. अब हमको क्या हो गया? Now what has happened to us? अनेक जन्म लेते लेते आत्मा शरीर का सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर पड़ गई. द सोल हैज बिकम वीक वाइल टेकिंग मेनी बर्थ्स एंड एंजॉयिंग द हैप्पीनेस थ्रू द बॉडी. अब ये कमजोर आत्मा है, इसको पावरफुल कैसे बनाया जाए? हाउ कैन वी मेक दिस वीक सोल पावरफुल नाउ?